So first of all, this chapter tells the story of the craft and industries of the India during British rule by focusing on two industries, namely textiles and iron and steel. Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Mechanized production of the cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. And when its iron and steel industry started growing from 1850s, Britain came to be known as workshop of the world. So, ये चैप्टर में हम जनरली क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो ये ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा फोकस था एंड ब्रिटिशर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आगे थे एंड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा धीरे धीरे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी. इससे क्या हुआ, 1850 के बाद ब्रिटिश केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में एक नाम से जाना जाता था, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. देन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. यू हैव सीन इन चैप्टर नंबर 2 हाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ द टेरिटरी एंड हाउ पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डेकेड्स. And in the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through his sale. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products, and over time manufactured goods from Britain began flooding India. So, how did this affect Indian craft and industries? This is the question we will explore in this chapter. So, colonization. In the first semester, we have already discussed about the colonization. Like colony India mein banana aur India mein dheere dheere apna trade ko expand karna. So, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवेंट आपको याद रखनी है. इन 1600 AD ब्रिटिशर्स एस्टाब्लिश्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ये कंपनी ने इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, गुड्स को इंडिया से ले जाते थे एंड उसमें से प्रोडक्ट बना के अगेन हमको बेचते थे. बट धीरे धीरे इंडिया में ही इंडस्ट्री स्टार्ट होने लगी एंड इंडिया में ही इसका ट्रेड भी स्टार्ट होने लगा. सो हाउ डिड द अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़, इससे हमारे इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ को क्या इफेक्ट हुई, यही क्वेश्चन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट. लेट्स फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन. अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, India was by far the world's largest producer of cotton textile. 1750 के पहले हम देखें तो ब्रिटिश ने जब भी बंगाल को कंकर किया, इससे पहले का टाइम देखें तो इंडिया was far the world's largest producer of cotton textile. हम कॉटन टेक्सटाइल के बारे में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे थे. Then Indian textiles had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. हमारा Indian textile ये दो बातों के लिए generally जाना जाता था, for the fine quality of cloth and second exquisite craftsmanship. Then they were extensively traded in Southeast Asia and West and Central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textiles for sale in Europe. Memories for this flourishing trade and craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages.
It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. Means generally हमने धीरे धीरे अपना बिजनेस अपना ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया तक बढ़ाया था. ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को कंकर किया बट 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी हमारे इंडिया में आई तो हमने उसके साथ भी ट्रेड करना स्टार्ट किया. हमारा इंडियन टेक्सटाइल यूरोप में भी जाने लगा एंड धीरे धीरे हमारा इंडियन मार्केट भी डेवलप होने लगा. द नेक्स्ट टॉपिक वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज. यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक. सो दे बिगेन रिफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल्स एज मसलिन अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी. व्हेन द पोर्टुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस दे लैंडेड इन कालीकट इन द केरला कोस्ट इन द साउथ वेस्ट इंडिया. द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पाइसिस केम टू बी कोल्ड कैलिको एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स. सो वर्ड टेल्स अस हिस्ट्री. वर्ड से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में. जनरली कैलिको वर्ड ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए यूज़ होता है बट ये कैलिको वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द कैलिकट. कैलिकट सिटी में से ही कैलिको वर्ड हमें देखने को मिलता है. जनरली हम यूरोपियंस के साथ ट्रेड करते थे अरब मर्चेंट्स के थ्रू. ये सभी जो कॉमोडिटीज़ है यूरोपियन कंट्रीज़ तक जाती थी एंड हमारा बिजनेस देखे हमारा ट्रेड देखे तो साउथ वेस्ट एशिया में काफ़ी हमारा बिजनेस स्पाइसेस का भी था. बट धीरे धीरे यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए और इंडिया में उसने डोमिनेंस करना स्टार्ट कर दिया. सो देर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन वेस्टर्न मार्केट्स. इन फिगर 3 यू कैन सी अ पेज ऑफ ऑर्डर बुक दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट अ रिप्रेजेंटेटिव इन कोलकाता इन 1730. सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि द फाइन आर्ट ऑफ आवर इंडिया. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर ब्यूटीफुल हमारा इंडियन क्लोथ बनता था. द ऑर्डर दैट ईयर वॉज 5,89,000 पीसीस ऑफ क्लॉथ. ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन इन लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स. दीज वर नॉन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स यूजअली वुवन क्लोथ पीसीस दैट वर 20 यार्ड्स लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड. मीन्स 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें एक ऑर्डर दिया था एंड ऑर्डर का अमाउंट देखे तो क्या होता है 5,89,000 पीसीस ऑफ क्लोथ. यस इतने सारे पीसीस का ऑर्डर मिला था इन 1 ईयर. मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया से कई सारे गुड्स है ये बाहर एक्सपोर्ट हो रहे थे लाइक 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स. ये लिस्ट है कि ये सभी वेराइटीज़ हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे. एंड क्वालिटी की बात करें देवर 20 यार्ड्स लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड. तो ये गुड क्वालिटी हमारे इंडिया में थी. एंड वी कैन सी दैट द ऑर्डर एंड इन दिस ऑर्डर वी कैन सी दैट वेरियस वेराइटी लाइक 98 वेराइटी ऑफ क्लोथ्स दैट ऑर्डर बाय द ब्रिटिशर्स यूरोपियंस टू द इंडियन मर्चेंट्स. So now look at the names of different varieties of cloth in the book. Amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton clothes called chins, koses or bandana. So हम देख सकते हैं कि हमने देखा था कि order book में कई सारे different varieties थी and order भी काफ़ी bulk में था. काफ़ी ज़्यादा amount में order Indians को मिलता था. So do you know where the English term chins come from? It is derived from the Hindi word chint, chint,
अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस। तो ये जो वर्ड है चिंट्स, ये भी हमारे इंडिया में से ही डिराइव हुआ है। इंडियन वर्ड है चिंट, जिसका मतलब होता है कि स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस वाला क्लोथ, एंड इससे ही चिंट नाम का एक वैरायटी डिस्कवर किया था ब्रिटिशर्स ने। सो फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड अ क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स इन द इंग्लैंड एंड यूरोप, मेनली फॉर देयर इक्विसाइट फ्लोरल डिज़ाइंस, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। मीन्स इंडियन क्लोथ्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता था इन द इंग्लैंड मार्केट। सो रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग क्वीन, क्वीन भी हमारे इंडियन क्लोथिस को पहनती थी। क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लोथिस ऑफ इंडियन फैब्रिक। Then similarly, the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head. जो bandana word है ये generally refer किया जाता है brightly colored and printed scarf के लिए, जो हम neck और head के पास पहनते हैं। So originally, the term derived from the word bandana and referred to a variety और ब्राइट कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस टू द मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। देवर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, ओरिसा, छारपुर। सो ये सभी प्लेसेस से जनरली ट्रेड होता था। कासिम बाजार वॉज द फेमस मार्केट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पटना, कलकत्ता, ओरिसा, छारपुर, ये सभी फेमस मार्केट थी। देन द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सच वर्ड्स शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देन पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स थी एंड ये सभी की डिमांड थी वर्ल्ड मार्केट में। देन लेट्स मूव फर्दर इन द टॉपिक इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। So by the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. India काफ़ी prosperous था, Indian market भी काफ़ी prosperous थी। So popularity हमारे Indian textiles की काफ़ी बढ़ गई थी in the world market. That's why Britishers ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो इंग्लैंड के लोकल टेक्सटाइल ट्रेडर थे ये सभी ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्टेड अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चीन्स इन इंग्लैंड। सो पब्लिक डिमांड के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा एनेक्ट किया कि भाई प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल को हम बैन करते हैं। So interestingly, this act was known as the Calico Act. And ये act का name क्या था? Calico Act. Then at this time, textile industries had just begun to develop in England, unable to compete with Indian textile. So अभी industrialization England में start ही हुआ था. So they are unable to compete with Indian textiles. So English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. So British producer क्या चाहते थे कि भाई market में Indian textiles का dominance नहीं होना चाहिए। So the first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth. So, first time England में एक industry establish होती है under the government protection and ये है calico printing industry. And इसमें same Indian designs को imitate किया गया, print किया गया white muslin cloth के ऊपर।
Then competition with Indian textiles also led to search for technological innovation in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John Kaye, which increased the productivity of the traditional spindles. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in immense quantities and cheaply too. So ye change, you must remember this change, ki 1764 mein spinning jenny naam ka ek machine invent kiya gaya by John Kaye. And isse kya hua? Traditional spindles ki productivity increase ho gayi. And second event ki in 1786, Richard Arkwright jisne steam engine ka invention kiya, so isse kya hua? Textile weaving ki process kafi fast hone lagi and ab immense quantities mein aur kafi cheaply cloth banne lage the in the England. Then however, Indian textiles continue to dominate the world till the end of 18th century. Phir bhi, abhi bhi hamara Indian market ka dominance kafi zyada tha. European trading companies, the Dutch, the French, the English made enormous profits out of the flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. But as you know, then when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenues from peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian textile. So, Indian textile, jo 18th century tak jiska dominance वर्ल्ड मार्केट में था, बट धीरे धीरे डच, फ्रेंच, यूरोपियंस कंपनी हमारे इंडिया में आई और काफ़ी इनॉर्मस प्रॉफिट हमारे इंडियन मार्केट में उसने किया. जनरली ये सभी क्या करते थे, रॉ मटेरियल को परचेज करके हम उसके कंट्री पे पहुंचाते थे एंड हमें सिल्वर देते थे. बट आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बंगाल, अब ये सभी इसको प्रीशियस मेटल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स के रूप में ये सभी गुड्स ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली मिल रहे थे. मीन्स पेजेंट्स एंड जमींदार्स ये सभी अपना रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को देंगे एंड यही रेवेन्यू में से सभी रॉ मटेरियल को परचेज करते थे ब्रिटिशर्स. द नेक्स्ट पॉइंट, वेयर वर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी. लेट 18th सेंचुरी में कौन कौन से मेजर सेंटर थे वीविंग प्रोसेस के लिए? सो इन दिस इंडिया वी कैन सी दैट लाहौर, सिरहिंद, दिल्ली, देन आगरा, जयपुर, देन बहरानपुर, सूरत, बॉम्बे, गोलकोंडा, कोलकाता, पटना, गोवा, कालीकट, मदुरा, तंजौर, मद्रास. दिस ऑल सेंटर्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द वीविंग इंडस्ट्री. Then if you look at the map, you will notice that textile production was concentrated in four regions in the early 19th century. Bengal was one of the most important centers. Located along the numerous rivers in the delta, the production centers in Bengal could easily transport goods to distant places. So is map mein hum dekh sakte hai ki during early 19th century, four regions were important. First of all, Bengal, जो काफ़ी important place था हमारे India के लिए. यहाँ पर trading facility, transportation facility काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. Then do not forget that the early 19th century, railways had not developed and roads were not were only just beginning to be laid on extensive scale. So हम देख सकते हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी जहाँ पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, देन रोड्स भी काफ़ी अच्छे बिल्डअप नहीं थे, तो जनरली इंडिया वॉज डिपेंडेड ऑन टू द सी रूट, कि इंडिया सी रूट पे डिपेंडेड था.
Then Dhaka in Eastern Bengal was foremost textile center in the 18th century. It was famous for malmal and chamdani weaving. So Dhaka, Eastern Bengal का एक important textile center था and it was famous for malmal and chamdani weaving. Then if you look at the southern part of India in the map, you will see a second cluster of cotton weaving centers along the Coromandel coast stretching from Madras to North Andhra Pradesh. On the western coast, there were important weaving centers in Gujarat. So generally, South India में भी कई सारे important trading centers थे, जैसे कि Madras, Pondicherry, Nagpatnam, Tanjore, Pulikat. Then in Gujarat, we can see that Patan, Ahmedabad, then Cambay, Surat, ये सभी important trading centers थे for the weaving activity. So this is about our today's lecture. In this lecture, we have discussed about some interesting point, and it is the Indian prosperous market, like Indian prosperous textile market during 16th century to 18th century. 16th to 18th century, हमारी Indian market काफ़ी prosperous थी. But after the invention of spinning wheels and spinning jenny in the England, धीरे धीरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने लगा, काफ़ी चीपर गुड्स बनने लगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस लेक्चर. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो We will move further in this chapter. So, tab tak ke liye, stay home, stay safe. Thank you.